एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जय मदान और आज मैं आपकी लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगी जिसे आप शायद दिन में मोर देन 10 बार 10 टाइम्स यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर बैग्स एंड वॉलेट ऑफ मैन। देखिए, बैग में प्रॉस्पेरिटी होती है। आप कहेंगे कैसे? सपोज आप एक मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए और आपके बैग में अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है, अनलिमिटेड अमाउंट को एक्सेस करने वाला क्रेडिट कार्ड है और प्रॉबेबली आपके बैग में 10 लाख रुपीज़ कैश है। आप कैसा फील करेंगे मॉल में एंटर करकर? आपकी पूरी एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक इसी तरीके से आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे परचेजिंग होती हो या आपकी फेवरेट जगह, और बाय डिफ़ॉल्ट उस दिन आप अपने बैग में अपना कैश रखना या अपने कार्ड्स रखना भूल जाते हैं तो आप कैसा फील करेंगे? बिल्कुल डिप्लीटेड फील करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे। सो वॉट इज़ मनी? मनी इज़ बेसिकली एनर्जी। इट कैन अपलिफ्ट यू, इट कैन मेक यू फील बेटर, इट कैन मेक यू फील हैप्पी, इट कैन मेक यू फील एरोगेंट। दैट रियली डिपेंड्स आप उससे कैसा फील करवाना चाहते हैं। नाउ वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज योर बैग। कई बार आपने देखा है हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, पैसा तो आता है लेकिन हमारे पास रुकता ही नहीं है। वॉट आर द रीजन्स? डू वी एक्चुअली रिस्पेक्ट मनी? डू वी एक्चुअली रिस्पेक्ट माँ लक्ष्मी? हमारे यहाँ पे तो हर एक आइडेंटिटी को, चाहे मटीरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उसको भगवान का फॉर्म दिया गया। हम पैसे को भी, प्रॉस्पेरिटी को भी माँ लक्ष्मी बोलते हैं। फॉर अस शी इज़ गॉड। तो इसी तरीके से हमें समझना होगा कि हम अपने भगवान को कैसे रखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग बैग में कैश रखते हैं, मेंस अपने बैग में, अपने पॉकेट में वॉलेट रखते हैं, लेकिन जब आप पैसे रखते हैं उसके साथ क्या आप चेंज भी रखते हैं? आप देखिए, अगर मैं आपको कोई परचेजिंग करने पर बहुत सारी चेंज दे दूँ तो आप उसे कैसे रखेंगे? आपको ध्यान भी नहीं रहेगा अगर ये चेंज गुम जाएगी तो। लेकिन अगर पैसे घुमेंगे तो आपको ध्यान ज़रूर रहेगा। ठीक इसी तरीके से पैसों को चेंज के साथ कभी भी मत रखें। दिस एनर्जी इज़ नॉट वी नीड, इट शुड नॉट बी यूज विद द राइट कैश दैट यू हैव। कभी भी इन दोनों को साथ नहीं रखें। इसीलिए हर वॉलेट में भी सेपरेट कॉइन पॉकेट्स या चेंज पॉकेट्स होती हैं। यूज़ देम इफ़ यू डोंट हैव, कीप अ सेपरेट पाउच फॉर चेंज, ताकि आप अपने पैसों को नहीं रखें चिल्लर के साथ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि हम परचेजिंग करते हैं और बहुत समय तक बैग्स के अंदर हमारे बिल्स रह जाते हैं। अगर आप अपने बिल्स को अपनी कैश के साथ रखते हैं तो आप इस एनर्जी को क्या डाइवर्ट करें, क्योंकि पैसा तो एनर्जी है ना, ये और क्या है सिवाय एनर्जी के? आप इस एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं खर्चे में, एक्सपेंडिचर में। मेक श्योर यू नेवर कीप योर बिल्स एंड योर कैश टुगेदर। बहुत सारे मेल्स की भी आदत होती है, कार में पेट्रोल फिल कराया, उसका स्लिप लिया, कैश के साथ डाल दिया, क्रेडिट कार्ड की स्लिप के साथ डाल दिया। नो, नेवर कीप योर बिल्स विथ योर मनी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने बैग को जब खोलते हैं, ये किसी को भी जज करने का तरीका, व्हेन यू ओपन योर बैग और आप जो ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको वो चीज़ विद इन फ्यू सेकेंड्स मिल जाती है, इसका मतलब यू आर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। इसी तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज रखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने बैग में कुछ ढूंढते हैं और फिर ढूंढते ही चले जाते हैं, उन्हें वो चीज़ मिलती ही नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्गेनाइज एज अ पर्सन। और अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ट्रस्ट मी, यू कैन हैव मनी बट यू कैन नेवर रिटेन मनी, बिकॉज आफ्टर ऑल मनी इज़ नथिंग बट एनर्जी। इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, अच्छे कामों में यूज़ करें। और तो और, इसको अपने बैग में ऐसे रखें जैसे कोई आप भगवान की फ़ोटो रखते हैं। क्या आप किसी भगवान की फ़ोटो को अपने बैग में यूँ छोड़ देंगे, क्रश करने के लिए डाल देंगे? कितनी रिस्पेक्टफुली उसको रखेंगे? क्या हम पैसों को, माँ लक्ष्मी को, डजंट शी डिज़र्व अ राइट प्लेस, अ राइट पोजिशन? अगर आप अपने पैसों को मरोड़ कर जैसे कंडक्टर्स रखते हैं तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ यूटिलाइजिंग मनी। अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करके रखें, अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज हो सके। आई होप यू मेक यूज़ ऑफ इट। सी यू सून।